हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ टोटली अनफिटेड। तो आज हम खेलने वाले हैं द प्रिंस फिन वेलर के साथ। तो भाई का स्वैग बहुत ज़्यादा है, फिन वेलर ने तबाही मचा रखी है, जिसके कारण से मुझे इनका गेम प्ले लेके आना पड़ा। और ये एक एक्रोबेट प्लेयर है, आप जानते ही हो। तो चलो फटाफट देख लेते हैं इनका फिनिशर। फिनिशर डैमेज है 551 का और हेल्थ है 2248 का। और ये 9 लेवल के प्लेयर है, 10 होते इनका हेल्थ भी बढ़ जाएगा और फिनिशर डैमेज भी बढ़ जाएगा। तो फटाफट डेक को चेक कर लेते हैं। डेक में इनका है पहला मूव जो है बहुत ही क्रूशियल है, फ्लोर ओवर डेडी। और दूसरा बहुत सातिर मूव है, सातिर कहेंगे क्योंकि बहुत चुपके से लगता है, सिंग ब्लेड। और फिनिशर है कोरियोग्राफ। और ज़्यादा कुछ बताने के लायक है नहीं, आप सब जानते हो। स्टार्ट करते हैं मैच को और देख लेते हैं पहला मैच किसके साथ मिलता है। हम लोग फाइंड करेंगे पहला मैच। तो हमारे प्रिंस इंटर कर चुके हैं फिन वेलर या बेलर क्लब से। और इंट्रो अब आप स्किप कर सकते हो एज अ योर मतलब विश, करना चाहो या ना करना चाहो, दोनों ऑप्शन दे दिया रखा है। तो मैं तो स्वैग देखता हूँ। तो यहाँ एज मिल चुके हैं हमको पहले। और भाई साहब क्या ये क्या है, ये क्या है इतना सारा भाई साहब। ओ भाई फिर से काउंटर, अरे मैच चल रहा है या काउंटर काउंटर खेल रहे हैं हम दोनों, भाई समझ ही नहीं आ रहा। ओ भाई चलो आओ भाई। ओ भाई मेरा फिनिशर भी गया भाई, चल क्या रहा है ये, फिनिशर भी चला गया भाई। अरे क्या दोनों एक्रोबेट है और दोनों के पास सेम ही है। चलो और ये लगा सुपर किक और स्लिंग ब्लेड के साथ ख़त्म करेंगे पहली पिन। भाई साहब इनके बीच में काउंटर ही चलने वाले हैं क्या, काउंटर काउंटर खेल रहे हैं हम। चलो भाई और ये काउंटर खेला हमने और हमने लगाई फ्लोर ओवर डीडीटी जो कि काफ़ी ओपी है। और ये सुपर किक और क्या ड्रॉप किक लगा पाएंगे। अबे फिर काउंटर, कितने काउंटर हैं यार दोनों के पास। वाह भाई मैंने भी दो ले रखे हैं, उसने फिनिशर यूज़ कर दिया है स्पीयर। और स्पीयर के सामने तो कोई बच नहीं सकता, इवन बहुत सारे लोग बहुत सारे रोस्टरों को तो फिनिशर भी काट देता है। और अभी तो मेरा फिनिशर कटा ही है और ड्रॉप किक लगाने की कोशिश थी लेकिन ये मूव घटिया सा मूव यार मेरा भाई। फिर से और ये काउंटर, ये काउंटर भाई क्या चल रहा है, अरे ये क्या चल रहा है काउंटर काउंटर। चलो भाई फिनिशर लगाते हैं और करते हैं मैं इसको फिनिश। तो ये हो गया फिन वेलर के मैच का खात्मा। लो भाई साहब क्या था ये, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये। भाई आप लोग क्यों वेट कर रहे हो, फटाफट लाइक और सब्सक्राइब दबा दो। पहला मैच हमने निकाल लिया, सेकंड मैच की तरफ चलेंगे। सेकंड मैच देखेंगे किसके खिलाफ मिलता है हमको। तो हमारे प्रिंस फिन वेलर इंटर कर चुके हैं एरिना में, अभी धूम मचाने के लिए तैयार हैं। और फिन वेलर के साथ ही खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से फिन वेलर को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कर दिया डैमेज, शायद बढ़ा दिया क्योंकि फिन वेलर। ओ भाई साहब रॉक यहाँ फुल अग्रेशन में, भाई साहब रॉक 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 रॉक। अब बॉल हॉलीवुड जाओ ना यार, यहाँ पे क्या कर रहे हो, रुको भैया रुको रुको, आप मूवी भी बनाओ यार अभी, रेसलिंग ना करो यार। फिन वेलर अरे चांस दो यार, युवा देखो कोई बढ़ना चाहता है, युवा है भाई वो, इतना अच्छा युवा खिलाड़ी है, उसको आप चांस नहीं दे रहे हो बताओ। स्लिंग ब्लेड इसीलिए लगाना पड़ेगा हमको, चांस ही दे रहा है देख रहे हो। और भाई इसीलिए तुम्हारा हम फिनिशर भी खा गए, आ गई मौज, नहीं नहीं बताओ आ गई मौज। और ये लो भाई हमारा फिनिशर खा लो तुम, तुमको क्या लगा था बच जाओगे, कोरियोग्राफ से आज तक कोई नहीं बचा भाई। ये लो, ओ भाई साहब लग गई ना, मैं बोला था तुम्हारे पास नहीं, तुम मूवी बनाओ भाई, तुम्हारा अब चला गया, तुम्हारा हो गया बस, तुम्हारा मूवी बनाओ बस। तुम्हारी रेसलिंग हो चुकी है भाई, बोला ना तुम्हारी रेसलिंग हो चुकी है। यहाँ पे ग्रैपल क्लैश भी हारते हुए द रॉक। और ये लो भाई ड्रॉप किक भी ले लो, बड़े आए पीपल पंचेज लगाने वाले। अरे अरे ये मूव बहुत घटिया है यार, मतलब डर के मारे इंसान काउंटर ही लगाता है। अबे नेट गया नेट गया नेट गया, मैं पिटा बच गया भाई, अभी तक तो बचा ही हूँ। अबे क्या कर रहा हूँ मैं, मार ले भाई मार ले मार ले, नेट नहीं है, मार ले मार ले।
इतना मारना मार ले, ख़त्म ही कर दे भाई, एक काम कर ख़त्म ही कर दे। हाँ कोशिश तूने बहुत अच्छी की थी ख़त्म करने की, लेकिन हो नहीं पाई ना ब्रो तेरे से। फिर से स्लिंग ब्लेड ले ले, स्लिंग ब्लेड का तो यहाँ खदान पड़ा है भाई। चल भाई कूडोग्राफ ले ले। अरे भाई साहब फ्रॉग बॉटम पड़ गया यार मैं कूडोग्राफ देने के चक्कर में। अबे यार ये गलत, ये गलत, मैं इसको नहीं मानता भाई, ये गलत भाई साहब, ये भी गलत है भाई साहब। मुझे लगा ड्रॉप किक लग जाएगी यार, ये गड़बड़, ये भी गलत है भाई, मेरे साथ गलत हो रहा भाई। अरे देख रहे हो टैलेंट को दबा रहे हैं, देख रहे हो खुद तो बन गया भाई। देखो हैंडसम हंक, अब देखो बेचारे प्रिंस फिनबैलर को मौका तक नहीं दे रहे हैं भाई। रुको तुम, मौका तो हम निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, बस तुम थोड़ा सा रह जाओ, तुम हमारा मौका निकालेंगे। और ये लो मौका, मौका हो गया, मौका लो, मौका ही मौका हो गया, लो भाई और ये भी ले लो। अबे ये क्या है, कितने काउंटर रखा भाई तू। ओ भाई साहब बस 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 अभी तुम्हारे लग गए हैं, सॉरी प्रिंस फिन वेलर, अभी हम लगाएंगे फिनिशर। फिनिशर के लिए तुम बचो ही नहीं, ख़त्म ही हो गया। वैसे फिनिशर यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि कट जाता है, तो हमने ये मैच बहुत ही क्रूशल तरीके से जीता क्योंकि बहुत हल्के में ले लिया था द रॉक को। तो कभी भी अपने अपोनेंट को हल्के में मत लेना। और ये अगला मैच है हमारे प्यारे से दुलाले से, इस समय जब देखो यही आते हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग भी बंद हो गई थी और हम इनका एंट्रेंस नहीं रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि क्या है ना कि हल्क होगन हर तीसरे मैच में आ ही जाते हैं और फिर ये ऐसा हो जाता है कि हल्क होगन वर्सेस मैच हो जाता है पूरा मैच, तो हमने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया। फिर सोचा यार कोई बात नहीं, मैच है कोई दिक्कत नहीं है, शायद और भी अपॉइंटमेंट मिले अलग अलग, क्योंकि हल्क होगन फिर आने चालू हो जाते हैं ना, तो फिर हल्क होगन के अलावा कोई आते ही, इतने सारे यूज कर रहे हैं और भाई इतना 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 ज़्यादा ये जिगल कर रहा है ना, लग रहा है कितना प्रो है भाई, कितना प्रो भाई, एकदम इतना प्रो है ना ये भाई साहब, इतना प्रो है। और आई विल किल यू अगर नहीं लिखा होता ना तो मैं इसको जीतने देता, सच में जीतने देता इसको मैं, सच में। बुढ़ाऊ का इतना लिहाज किया मैंने, बुढ़ाऊ बस तुम बस फिनिशर नहीं लगाओ कितना पहली वाली, क्योंकि तुम फिनिशर लगाने की कोशिश कर रहे हो और हम जानते हैं तुमको फिनिशर यूज करने दें हम, मतलब अबे यार लगा देगा, अब लगा देगा, मैंने गलती कर दी, अब ये लगा लेगा फिनिशर, मेरे को मालूम है ये 100% फिनिशर लगाएगा क्योंकि एडवांटेज और डिसएडवांटेज का यही हल्क होगन का। हल्क होगन की पहली पिन बहुत जल्दी ख़त्म करो। चलो नहीं लगाया यार, देव मानुष है भाई, देव मानुष, देव मानुष है भाई। अबे मुझे लगाना चाहिए था यार, गलती कर दी हमने भाई साहब, लगा दिया ना यार, देव मानुष बोल दिया तो सबसे घटिया है भाई, लगा ही दिया ना, मेरे को मालूम था, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिनिशर वगैरह की, मैं इसको ऐसे भी हरा सकता हूँ विदाउट फिनिशर से भी भाई। भाई बुजुर्गों की हम इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि देख रहे हो इतना ज़्यादा पिट रहा है बुजुर्गों से, बहुत हो गया भाई हल्क होगन जी। अरे नागवाणी लेके ही मानेगा क्या, इतना नाच रहा है, बस कर जा भाई। अभी लो भाई बुढ़ाऊ एक पंच, दूसरा पंच, मत मारो बोल रहा है, फिर ये चिल्ला रहा है, ये चिल्ला क्यों रहा भाई, नहीं मार खाओगे मत खाओ भाई, तुम्हारी मर्जी, पर अब हराना नहीं मेरे को, मेरे को हराना नहीं। ये ले स्टाम्प ले ले भैया, अभी तुम्हारी बस हो गई भाई बुढ़ाऊ, तुम्हारी पहली जब तक पिन नहीं होती ना तभी तक तुम सुपर रहते हो, उसके बाद से हम ही सुपर रहेंगे ठीक है। अब फिर से फिनिशर, ये दगाबाज इंसान यार, हर बार फिनिशर लगा देता है, अलग इंसान तो है ही नहीं। आ जाओ भाई हम भी लगा लेते हैं फिनिशर, तुम्हें बस तुम्हारे पास है, हमारे पास भी कोरियोग्राफ है और हमारा कोरियोग्राफ जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है दो। और ये लो भाई, अभी लो ये खाओ, ये खाओ ब्रो, ये इसका डैमेज देखना कितना ज़्यादा है, ये खाओ ब्रो और ये भी खाओ ब्रो। अभी स्लिंग ब्लेड अपना काम कर देगा, प्लीज़ 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 काउंटर, और काउंटर लो भाई। हल्क होगन भैया कैसी लगी, आ गई स्वाद कि आ गई मौज, नहीं आ गया स्वाद शायद। चलो भाई तीन मैच हमने किया, बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम चौथा मैच भी खेलेंगे आज, और ये मैच अगर नहीं फंसेगा तो पांचवा मैच भी, क्योंकि गेम फंसने लग जाता है इसके कारण से ज़्यादा मैच नहीं हो पाता,
रिकॉर्डिंग के समय और ज़्यादा फंसता है ये, अगर गेमर हो या फिर कुछ भी हो तो आपको रिलेटेबल लगेगा ये बिल्कुल। और भाई साहब ये तो हल्क होगा, ओ सॉरी हल्क होगन किससे भी ज़्यादा पावरफुल है, इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, हालांकि जीतना मुश्किल है इससे कोशिश। अरे भाई क्या पागलपंती की है मैंने, मेरे को भाई बेस्ट नूब का अवार्ड दे देना चाहिए इस चीज़ के लिए, पर नहीं भाई थोड़ा सा रुक जाओ तुम हल्क अंडरटेकर। भाई साहब पूरा प्रेडिक्ट करके रखा है कि कौन सा मूव लगाएगा, देख रहे हो? नहीं नहीं प्रेडिक्ट करोगे तुम, प्रेडिक्ट करोगे तुम, प्रेडिक्ट करोगे तुम, करो प्रेडिक्ट करो तो प्रेडिक्ट तुम करो, प्रेडिक्ट करो। अबे भाई साहब फिर प्रेडिक्ट कर लिया इसने, अब मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कि जब मैं नीचे गिरूंगा तो ये लगाएगा ग्रैपल, और ये लगा दिया फिनिश। अभी जो एडवांटेज हम लेते हैं अंडरटेकर के खिलाफ, पहले ही एडवांटेज लेते हैं कि पहली पिन कर लेंगे तो कम से कम एडवांटेज रहेगा, वो चला गया, हमने इसको डैमेज दिया ना के बराबर, ठीक है। अभी देख रहे हो, अभी बताना प्रो कौन है आपका भाई, तो एकदम अल्ट्रा प्रो लेजेंड है भाई, लेजेंड लेजेंड अल्ट्रा प्रो, थोड़ा बहुत नहीं ब्रो, इसकी एक मिनट में इसकी गाड़ी वाड़ी बंद कर देंगे ब्रो, टेंशन ना लो। और भाई साहब तुम जो जिस चौराहे से आया हो ना ब्रो, उस चौराहे में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, लगाओ लगाओ लगाओ, बहुत बढ़िया, क्या लगाया हो तुम, मुझे पता था तुम का वो ग्रैपल बहुत सारे ले रखे हो। और ये भी लो स्लिंग ब्लेड भी लो, अगली मोच, और ये लो स्टॉम्प ले लो, ख़त्म करो। अभी उठ कितना जल्दी गया था भाई, अभी अगर काउंटर लगाया तो मैं मर जाता भाई, अभी तुम्हारी बारी गई तो। और ये ले लो सुपर किक, थोड़ी देर के लिए तुम लटक जाओ दीवार में, ठीक है। अरे मेरे को जाना चाहिए था यार, अरे गर्ल्ड किक ने धोखा दिया, यहाँ दिया गर्ल्ड किक ने धोखा, और यहाँ हम पिट गए हैं गर्ल्ड किक के कारण, हमारा सही मूव था लेकिन धोखा देने के कारण इसके। भाई साहब हमारी तो इतनी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई है, क्या ही बताऊँ। और ये लो भाई फ्लोर ओवर डीडीटी, स्लिंग ब्लेड के चक्कर में हम फंस गए हैं, और यहाँ पे हमें लग चुका चॉक स्लैम, और ख़त्म ना कर दे भाई क्योंकि ये बंदा ख़त्म ही करता है। चलो इस बार इसने होशियारी कर दी क्योंकि हम लगाने वाले थे स्ट्राइक। और ये लो कूड़ा ग्राफ, ये लो कूड़ा ग्राफ 800 मतलब 500 का डैमेज तो देगा भाई, ये लो भाई 500 का नहीं दिया, 250 का डैमेज दिया, ये बहुत मूव बनती है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा है तो हम ख़त्म कर लेंगे मे बी। और ये भाई साहब ये हमारे पैरों में गिरना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं गिराएंगे तुमको पैरों में, ये लो सुपर किक ले लो भाई, तुमको इतना ही पैरों में गिरने की, भाई देख रहे हो पैर पकड़ लिया बंदे ने, भाई कैप्टन कबीर बोलते हैं। चलो भाई लास्ट मैच, और लास्ट मैच फुल अग्रेशन से हम खेलेंगे, चाहे जो भी आए एकदम अग्रेशन से भैया, फिन बैलर के साथ हैं तो क्या हुआ, फुल अग्रेशन से। तो सामने आ चुके हैं ब्रे वाइट, ब्रे वाइट से अग्रेशन से खेलना भाई खतरे से खाली नहीं है क्योंकि पता है, पर हम खेलेंगे ज़रूर, चाहे हार जाएं या जीत जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई साहब मौका तो दें, मौका ही नहीं दे रहा, पर अभी ब्रे वाइट क्या है 21, इसकी हेल्थ थोड़ी कम है हमसे, मतलब शायद कम लेवल का है। भाई साहब रुक जाओ तुम, रुको तुम, रुको तुम, रुको भैया रुको 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 रुको, ये हमारे पास काउंटर वो कॉम्बो तो नहीं है लेकिन हम ऐसे ही कॉम्बो लगाते हैं। अरे ये भी पैर पकड़ने लग गया, भाई साहब पैर पकड़ के फेंकता है, दिख रहा चीटिंग करता है। अरे लो हम भी चीटिंग करेंगे, हमको पता था तुम इसीलिए पीछे जा रहे हो ब्रो क्योंकि तुम लगाने वाले थे क्रॉस बॉडी, और हमको ना पता हो ऐसा हो सकता है। और ये लो, और यहाँ पे स्टॉम्प खाओ और निकल लो भाई, तो जल्दी कोशिश करेंगे इस मैच को ख़त्म करने की क्योंकि फुल अग्रेशन भाई, चाहे जो हो जाए ब्रे वाइट तुम मरोगे, जल्दी मरोगे। ये लो भाई, अरे लगा नहीं काउंटर यार, ये गलत, ये बहुत गलत है। अबे यार मेरे को लगा शायद जल्दी क्रॉस बॉडी नहीं लगाएगा, लेकिन भाई देव मानुष नहीं है ये भाई, बहुत ज़्यादा मूव है, और इसने लगा दिया है फिनिशर, हमारा नेट चला गया था, और नेट तो हमारा इतना धोखा दे रहा है, इतना धोखेबाज हो गया है क्या बताऊँ। और यहाँ फिर से ही पिट चुका है, और यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे। और ये लगा, और लो भैया मैंने बोला था जल्दी ख़त्म करेंगे,
चाहे जो भी आए, और मैच ख़त्म। तो जिस जिसको भी मैच मज़ा आया प्लीज़ लाइक दबा देना और सब्सक्राइब तो कर लो भाई, ऐसी वीडियो आते रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू एंड टेक केयर। Just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen.